तो नमस्कार, सुस्वागतम। आज के इस नए बेहतरीन कमाल एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आने वाले दिवाली के महापर्व की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली का पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ा और सबसे मुख्य महत्वपूर्ण त्यौहार कहा गया है। दीपावली का पर्व भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में वापस लौट कर आने की खुशी में मनाया जाता है और दीपावली वाले दिन हर तरफ दीप ज्योति, हर तरफ दीप जलते हैं और वातावरण में एक अलग ही ताजगी और एक अलग ही तेज का ओरा होता है। प्यारे बंधुजनों, दीपावली के दिन क्या एक काम आप करें जिससे आपकी जिंदगी राजा नवाब साहब की तरह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक काम जो आपने दीपावली वाले दिन करना है और दोबारा कभी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और जो भक्त आज का एपिसोड पूरा देखेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोबारा उनके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती। तो चलिए, लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस बेहतरीन एपिसोड पर आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, घर में अच्छा खासा पैसा आता रहे, कभी भी जेब में पैसे की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप कोई अच्छे अच्छे से उपाय हमें बताएं। तो आज ये बेहतरीन बहुत ही अच्छा सा उपाय आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर एपिसोड पसंद आएगा, अगर जानकारी पसंद आएगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का लाभ अन्य भक्तों को भी मिल सके। तो चलिए आज का उपाय शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे बंधुजनों, दीपावली की शाम को आपने एक चांदी का सिक्का, जी हाँ चांदी का सिक्का, आप बाजार से पहले ही खरीद कर लेकर आ सकते हैं। जिस चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी गणेश जी अंकित हो, ऐसा सिक्का चांदी का आपने बाजार से लेकर के आना है। दीपावली की शाम को उस चांदी के सिक्के की विधिवत रूप से आपने महालक्ष्मी पूजन करना है। सबसे पहले गुरु पूजन, उसके बाद स्वस्ति वाचन, उसके बाद संकल्प, फिर आपने लक्ष्मी पूजन। अगर आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करें, आप किसी ब्राह्मण को न्योता दे करके आए कि आपने दीपावली की शाम को इतने बजे मेरे घर आना है और आकर के महालक्ष्मी पूजन करवाना है। जिस समय ब्राह्मण देवता आते हैं तो उस पूजा में विशेष रूप से चांदी का यह सिक्का रखना है। बाकी जो डिटेल है वो पंडित जी अपने आप करवा देंगे, उन्हें पता होता है। विधिवत रूप से उस चांदी के सिक्के की आपने महालक्ष्मी पूजन करना है। उसके बाद उस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपने घर की जो तिजोरी है वहां पर रखें 2 मिनट के लिए। उसके बाद उठा करके लेकर के आए और दीपावली की सारी रात जो दिया जलता है उस दिए के आसपास ही आपने उस चांदी के सिक्के को रख देना है। अगली सुबह उठा करके उस सिक्के को आपने सुरक्षित अपने घर की तिजोरी में रख देना है। एक बात का ख्याल रखें कि दोबारा आपने उस सिक्के को वहां से नहीं हिलाना है।
उस सिक्के को, उस कपड़े को जिसमें चांदी का सिक्का है, झूठे हाथों से कभी स्पर्श नहीं करना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। प्यारे बंधुजनों, जितना लंबे समय तक वह जो चांदी का सिक्का है आपकी तिजोरी में सुरक्षित रहेगा, उतने लंबे समय तक लक्ष्मी माता हमेशा स्थिर रूप में आपके घर में निवास करेंगे। कभी भी आपको पैसे की कमी का अनुभव नहीं होगा। हमेशा आपके घर में, जेब में पैसा टिक करके रहेगा। प्यारे बंधुजनों, जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे।